Hello learners, this is your presenter Abhi. सभी विद्यार्थी व शिक्षार्थी का पुनः स्वागत है इस शिक्षा केंद्रित चैनल में. तो आइए देखते हैं आज का वीडियो किस विषय पर है. यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक NTA NET Sanskrit Exam इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, मतलब NTA NET का जो संस्कृत का जो एग्जाम होता है उसको क्रैक करने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या है उसके विषय, वही विषय है इस वीडियो का. तो ये बहुत जरूरी वीडियो भी होगा शायद, क्योंकि हमारे पास साधन तो सही है, मतलब प्रतिभा तो दिए है, साधन भी सही है, इसलिए शायद ये इस वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा संस्कृत के एस्पिरेंट के लिए, ताकि क्या क्या साधन चाहिए ताकि हम आसानी से संस्कृत के जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे हम क्लियर कर सके. तो देखते हैं क्या है यहाँ पे. ओ यहाँ पे अक्षय जी आ गए. यहाँ पे पहला वीडियो क्या था, हाँ यहाँ पे क्या था, अक्षय जी आ गए. अक्षय जी आके बोल रहे जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे, मतलब वो धमकी दे रहे हैं कि मत बताइए सब, क्यों बता रहे हैं ये जो स्कीम है वो मत बता. लेकिन हम तो डेयरिंग है, हम तो बताएंगे, हम बताएंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे. लेकिन ये नकली वीडियो नहीं है, मतलब 25 दिन में पैसा डबल नहीं करेंगे हम, जितना है नेट क्लियर कर देंगे. अभी देखते हैं क्या है उसके बाद. अभी अक्षय जी के इस वार्निंग को हम इग्नोर करते हैं, हम बता देंगे उसके बाद क्या है. हाँ उसके बाद ये है वार्निंग. वार्निंग क्यों देना पड़ा, वार्निंग की तो जरूरत नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्ट्रेटजी विल वर्क 100% ऑफ द टाइम टू 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ओके, बाद में लिखा है एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू मेक हिज हर ओन स्ट्रेटजी व्हिच एवर वर्क्स फॉर देम. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो 100% काम करेगा 90% जो विद्यार्थी है उनके लिए. एक्सेप्शन सर ऑलवेज द एक्सेप्शन, हमेशा रहता है. ये बात नहीं है कि हम ये वीडियो बना रहे हैं और वीडियो देख के सब लोग नेट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर देंगे. वीडियो देख के अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, अगर वो हम जो यहाँ पे जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो हम अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन नहीं देना पड़ा कि एक्सेप्शन ऑलवेज रहेगा. लेकिन ये वीडियो हेल्प करेगा कि हमारा हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं. इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन इज इंटाइटेड टू मेक हिज हर ओन स्ट्रेटजी, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी, जिसके लिए जो काम करते हैं वही स्ट्रेटजी वो बना सकते हैं, जो व्हिच एवर वर्क्स फॉर देम. यही नहीं कि हम ये वीडियो बनाए हैं इस एक्स ये स्ट्रेटजी काम करेगा, किसी के लिए कोई और काम करेगा, किसी के लिए कुछ और, इसलिए देखते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या है. यहाँ पे इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज मतलब कोई विद्यार्थी अगर स्टार्ट करें परीक्षा के लिए, खासकर यहाँ पे नेट की बात करें, नेट GRF एग्जाम संस्कृत के विषय में जो इनिशियल स्टेज है, मतलब उन्होंने ठान लिया है कि वो एग्जाम देंगे, वो इनिशियल स्टेज है. उसमें पहला पॉइंट क्या हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन कीप द एंड गोल इन माइंड. ओके, यहाँ पे बोला हुआ है बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन कीप द एंड गोल इन माइंड, मतलब हम जब पढ़ने की स्टार्टिंग करें उसका हमारा एंड गोल क्या होगा. एंड गोल यही है, हमको नेट GRF क्लियर करना है, वही एंड गोल है. सो स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, हमको एंड गोल हमेशा दिमाग में याद करना, हम किस कारण कौन से लक्ष्य को लेकर हम पढ़ाई स्टार्ट करें. पढ़ाई हम इसलिए स्टार्ट करें कि हमको नेट या GRF क्लियर करना है, इसलिए ये सबसे पहला गोल है हमारा एंड गोल. एंड गोल है नेट या GRF क्लियर करना. उसके बाद है वी आर प्रिपेयरिंग टू क्लियर द नेट GRF एग्जाम. ओके, वही गोल है, नॉट टू बिकम स्कॉलर्स इन 6 मंथ. यस, ये बहुत अच्छी बात है. मतलब बहुत सारे किताबें जमा कर लेंगे, पुस्तकें खरीद लेंगे, उसके बाद पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने का टाइम भी नहीं है, 6 मंथ है सिर्फ. इसलिए क्या बोला है कि बिफोर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लियर द नेट GRF एग्जाम नॉट टू बिकम, मतलब 6 महीने में कोई महापंडित नहीं बन जाएगा. इसलिए बोला है नेट GRF क्लियर करने के लिए उसको एंड गोल में हमेशा माइंड में रखो कि नेट GRF क्लियर करना है, 6 महीने में हम पंडित महापंडित स्कॉलर्स नहीं बन जाएंगे. इसलिए बुक्स को एकदम भंडारण के घर को लाइब्रेरी में बना लेना, कि किताब खरीद रहे पढ़ने का कोई टाइम नहीं, इसलिए ये नहीं करेंगे हम. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर टू क्लियर द नेट GRF. थर्ड पॉइंट है ऑलवेज स्टडी फ्रॉम नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू माने क्या होते हैं, माने होता है जो नेट के क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं. एमसीक्यू मतलब सार क्वेश्चंस, वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा कि बहुत लंबा पैराग्राफ देगा उसके बाद आंसर लिखने को बोलेगा 5 से नंबर का. इसलिए जब भी हम कोई किताब पढ़े, कोई पुस्तक पढ़े नेट के लिए, नेट के संस्कृत के लिए, तो हमेशा एक जो जो सेंटेंस होता है, एक दो सेंटेंस, वो हमें
हमेशा ध्यान में रखना होता है कि इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा कि नहीं। अगर निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है, वही पढ़ना है। अगर नहीं निकलेगा, एक पूरा पूरा पैराग्राफ है तो उसमें से तो नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज स्टडी फ्रॉम नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, तो हमें भी ये ध्यान में रखना होगा कि एमसीक्यू कौन से सेंटेंस से आ सकते हैं, वही पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेना है। ऑलवेज स्टडी फ्रॉम नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए हम फिर से आगे के पॉइंट में आगे जाएंगे कि नॉट टू बिकम द स्कॉलर्स इन सिक्स मंथ्स। छह महीने में हम फिर से बता रहे हैं कि छह महीने में हम पंडित नहीं बन जाएंगे, हमको सिर्फ नेट या जेआरएफ जो हमारा एंड गोल है वो हमें क्लियर करना है। इसलिए नेट या जेआरएफ क्लियर करेंगे, इसलिए नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। उसके बाद डोंट ट्राई टू इमिटेट द स्ट्रेटजी ऑफ जीनियस अराउंड अस। यहाँ पे लिखा है डोंट ट्राई टू इमिटेट द स्ट्रेटजी ऑफ जीनियस अराउंड अस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही है कि हमारे सारों और बहुत सारे जीनियस बैठे हुए, वो लोग कहते हैं हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, दो महीने तीन महीने में हमने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया। होते हैं, हमने देखा है, मतलब हमने और भी वीडियो देखे यूट्यूब में कि किसी ने इंस्पायरिंग स्टोरी होता है कि किसी ने दो या तीन महीने में पढ़ के, किसी ने एक महीने में पढ़ के नेट क्लियर कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना का हमारा समर्थ क्या है। हम अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, डोंट ट्राई टू, हम मैं जीनियस नहीं हूँ, इसलिए मैं ये रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि कोई एक महीने में पढ़ के नेट क्लियर करे या जेआरएफ क्लियर करे। इसलिए मुझे तो नहीं लगता, मतलब हो सकता है जीनियस तो आराम में है, इसलिए हम उनको इमीडिएट नहीं करें। हमारा एक टाइम लिमिट होता है, जैसे कितने महीने पढ़े, कितने आवर्स पढ़े दिन में, तभी हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसलिए हम ये रिकमेंड कभी नहीं करेंगे कि जो हमारे पास में बहुत सारे जीनियस होते हैं एक दो महीने में क्लियर करें, तो हमें नहीं सोचेंगे हम भी जीनियस है, हम एक दो महीने में पढ़ के क्लियर करेंगे। इसलिए ये हमेशा याद रखेंगे, हमको जीनियस भी नहीं बनना है, हम नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल ब्रेन है हमारा, बहुत पूरा किताबें याद नहीं रहती हमें, कंथस नहीं रहती। इसलिए एक नॉर्मल टाइम लिमिट होता है, एक कोई एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए, वही टाइम लिमिट में हम स्टिक करेंगे कि इतना समय है, इतना आवर्स हम डेली बनेंगे, तभी नेट जेआरएफ का कोई भी हमारा सिलेबस कवर होगा। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू इमिटेट द स्ट्रेटजी ऑफ जीनियस अराउंड अस। हमको जीनियस नहीं बनना है, हम जीनियस है भी नहीं। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे इनिशियल स्टेज का लिखा है, इफ यू आर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर अमंग द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सीरियस अबाउट द एग्जाम। ये भी लिखा हुआ है इफ यू आर वॉचिंग दिस प्रेजेंट, मतलब आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया बात है। यू आर अमंग द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, मतलब आप लोगों ने ठान लिया है कि नेट एग्जाम देना ही है, तो इसलिए हमने ये परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या गोची है, ये पता लगाना है। इसलिए आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि आप लोग सीरियस है, इसलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ओके प्रिपरेशन स्टार्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया हमारा। ये प्रिपरेशन स्टार्ट लेजर कैन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रिपरेशन। हमने मिस्टर इनिशियल स्टेज बना लिया, हमको नेट क्लियर करना है, उसके बाद प्रिपरेशन स्टेज। उसमें पहला पॉइंट है आइडियल टाइम पीरियड 5 to 6 मंथ, ये होता ही है। मतलब कोई भी एग्जाम का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक आइडियल टाइम भी होता है, मतलब कितना घंटा पढ़े, कितना समय लेता है। सो नेट जेआरएफ का आइडियल टाइम होता है 5 to 6 मंथ, दिसंबर में एक बार होता है, जून में एक बार। तो आप अगर नेट में जून में देना चाहते तो आप जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करें, अगर दिसंबर में पढ़ना एग्जाम देना है तो जुलाई में स्टार्ट करें। ये आइडियल पीरियड होता है नेट या जेआरएफ क्लियर करने के लिए। ये देखा है, ये एक्सेप्शन नहीं है कि हम बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। 5 या 6 मंथ कोई पढ़ रहा है तभी उसका जो है सिलेबस कवर होता है। सो आइडियल टाइम पीरियड तो हम यही बोलेंगे 5 to 6 मंथ। अगर आपने नेट क्लियर करने के थाम लिए, अपने मनसा है नेट क्लियर करने का, तो 5 to 6 मंथ हाथ में रखे पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद डेली हैवी तो स्टडी 1 to 2 आवर्स। ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, डेली हैवी तो स्टडी 1 to 2 आवर्स, 1 या 2 घंटे डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया उसके बाद
पिछले दिन सो दिया, उसके थर्ड दिन हमने 1 घंटा पढ़ा, उसके उसके नेक्स्ट डे हमने पढ़ाई नहीं, ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम ये भी इम्पोर्टेंट है, डेली हैबिट ऑफ स्टडी 1 to 10, मतलब डेली पढ़ना ही है, कुछ ना पढ़ना ही है, डेली हैबिट ऑफ स्टडी। ये सिर्फ संस्कृत के सब्जेक्ट का नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई विद्यार्थी अगर नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसको तो ये कंटिन्यूशन तो रखना ही होता है कि डेली हैबिट ऑफ डेली स्टडी को ब्रेक नहीं करना है। मतलब एक 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 बहुत बड़ा लाइन भी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि हैबिट इज द सेकेंड नेचर। मतलब इतना हैबिट को बार बार करते रहे तो वो आपका नेचर चीज हो जाता है, नेचर हो जाता है। इसलिए आप डेली हैबिट को मत छोड़ना, कॉम्बिनेशन मत छोड़ना डेली हैबिट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 5 घंटा करो, एकदम पढ़ते रहो, कोई आपका पर्सनल लाइफ नहीं है, पर्सनल जिंदगी नहीं है, सब छोड़ दो, कोई फ्रेंड नहीं है, फैमिली नहीं है, ये नहीं बताया। डेली हैबिट तो 24 घंटे में 2 घंटा तो निकल ही सकता है, उसमें आप अपने जो लक्ष्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 घंटा जरूर पढ़ें, यो डेली हैबिट। उसके बाद सिलेबस इज द मस्ट इन दिस एग्जाम, पर्टिकुलर इन संस्कृत सब्जेक्ट। यस, इसको हम इससे ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं कर सकते ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र के अलावा सिलेबस इज द ब्रह्मास्त्र इन दिस एग्जाम, पर्टिकुलर इन संस्कृत सब्जेक्ट। अगर हमने बहुत बहुत देखे, बहुत विद्यार्थी हमने देखे, अपने दोस्तों को भी देखा है जो नेट का एग्जाम प्रिपेयर करने का मन बना चुके हैं या स्टार्ट किया है, नेट एग्जाम दे भी चुके हैं, लेकिन वो लोग परीक्षा के 1 दिन पहले तक सिलेबस पता नहीं होता क्या क्या सिलेबस है एग्जाम का, तो कोई एग्जाम देने का कोई फायदा ही नहीं। पता है कि उन लोगों का क्लियर नहीं होगा क्योंकि सिलेबस ही पता नहीं है, तो पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे क्या, क्वेश्चन देखेंगे क्या, दिमाग में घुसेगा क्या। बहुत सारे बात बोलती, मुझे भी नहीं समझ आए, फिर से बोलो, सिलेबस इज द ब्रह्मास्त्र इन द एग्जाम। ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको हम इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस के लिए बोल भी नहीं सकते, इम्फेसाइज भी इससे ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं कर सकते कि मतलब 10 या 15 क्वेश्चन सिलेबस से ही निकलते हैं। मतलब हम ऐसा बोले कि अब कुछ भी पढ़ के मत जाओ एग्जाम में, ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल रहा हूँ कुछ भी पढ़ के मत जाओ, सिर्फ एग्जाम के 3-4 दिन पहले सिर्फ सिलेबस ही थरली पढ़ो, उसमें से 10-15 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ये गारंटी है। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से ही हमको हमें 10 या 15 क्वेश्चन करेक्ट हो जाना, मतलब 20 या 30 मार्क्स हमको सिलेबस पढ़ने से होता है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं सिलेबस को हमको मतलब खा जाना है, हजम कर जाना है अपने आप में, इसलिए बोलते हैं सिलेबस इज द ब्रह्मास्त्र इन दिस एग्जाम, संस्कृत के सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट का मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन संस्कृत में ही हमने पढ़ाया है, इसलिए हम बता सकते हैं कि सिलेबस का इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दिस स्टेप्स गिव्स इनसाइट टू व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम टू विन आउट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इम्पोर्टेंस यही है कि मतलब आपको एक आइडिया हो जाता है, मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बार बार जब क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं संस्कृत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो ये भी आसान हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5-6 साल का अगर हमने रिपीट किया तो उसमें से भी 10-15 क्वेश्चंस तो कॉमन आ ही जाता है, मतलब उसमें से 20 मार्क्स तो पक्का होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको पता चल जाता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन, मतलब जो पेपर सेट करते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ताकि सब नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंस है वही पढ़ना है। उसके बाद है रिवाइज रिपीट, दिस इज द ओनली की मैटर। ये तो हम नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो इंसानी दिमाग है वहाँ पे हमारा वो लिमिटेड है, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम गैदर करके बहुत देर तक नहीं रख सकते, हम भूल जाते हैं, मतलब इसलिए उसके लिए एक ही उपाय है, रिवाइज रिपीट, लो एक बार पढ़ो रिवाइज करो, ताकि दिमाग में पूरा बैठ जाए। इसलिए दिस इज द ओनली मंत्र, एटलीस्ट ये मंत्र तो मेरे लिए काम के, इसलिए मैंने भी यहाँ पे रख दिया टॉपिक पॉइंट की रिवाइज रिपीट, दिस इज द ओनली की मंत्र। उसके बाद लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन कम्स इन MCQ फॉर्म, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्म। हाँ, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, इस बार भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस कम्स इन MCQ फॉर्म, क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में आता है, तो अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, कोई भी पुस्तकें उठा ली है, तो उसमें से आप अगर पढ़ना शुरू किया तो आप ये
ये मत भूल जाना कि क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे, तो एक सेंटेंस पढ़ोगे ये सोचना पड़ेगा कि इसमें से एमसीक्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो उसको छोड़ के आगे चले जाओ। यही था, ये प्रिपरेशन था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था डेली हैबिट ऑफ स्टडी 1 to 2 आवर्स। उसके बाद लास्ट टेस्ट, यहाँ पे फिर से सिलेबस की बात आ गई, बार बार क्यों आ रही है। अगेन स्टडी द सिलेबस फ्यू मोर टाइम बिफोर एग्जाम, इट कैन फेच इट फ्यू मार्क्स। यस, अगेन स्टडी द सिलेबस फ्यू मोर टाइम बिफोर द एग्जाम। आपका पढ़ा हो गया, दिसंबर आ गया, दिसंबर में कुछ दिन बाकी है, नवंबर आ गया, तो आपका पढ़ाई मतलब 50-60% 70% सिलेबस कवर हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे क्या? रेस्ट नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करें, फिर से सिलेबस उठा लेते हैं, फिर से हम पढ़ेंगे। फिर से क्या पढ़ेंगे, फिर से हम सिलेबस को एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, हमको रिवाइज। तो ऐसे क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्वेश्चन एक बार 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 आता है कि सुनो सेपो आख्यान कौन से ब्राह्मण के अंतर्गत है। ऐतिह ब्राह्मण, कौशिक ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या गोपद ब्राह्मण, ये क्लियरली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। सुनो से को एक ओटीडी ब्राह्मण में है, इसलिए अगर हमने सिलेबस नहीं पढ़ा तो ये हमें पता नहीं चलेगा। अगर हमने सिलेबस पढ़ा तभी हमको 2 मार्क्स मिलेंगे, ये तो पक्का है। उसके बाद लास्ट में सिलेबस के लास्ट में ये क्वेश्चन बहुत भी आता है कि जंबल जंबल क्वेश्चन की इसके साथ उसको मिलाओ, तो ये क्वेश्चन आता है लास्ट में कि रुद्रदान शिलालेख कौन से कहाँ मिलता है रुद्रदान। तो अगर हमने सिलेबस पढ़ा है तो हमको पता चलेगा गिरनार, गिरनार में रुद्रदान इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो ये भी 2 मार्क्स मिल गए। इसलिए बार बार हम कहते हैं सिलेबस को 2 बार 3 बार एग्जाम के पहले एक बार पढ़ो, 2-3-4-5-10 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे। उसके बाद 90-100% रूल, ये हमें अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम अभी बहुत आते थे। 90-100% 100 रूल क्या होता है, मतलब आपने एग्जाम दे दिया, नेट के एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस, उसमें से पेपर वन का 50 क्वेश्चंस एंड पेपर टू का 100 क्वेश्चंस जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे 90-100 क्या है, आपको आपका एग्जाम हो गया, आप एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने, आपका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मतलब उसके बाद आ गया 2-3 दिन रेस्ट एग्जाम के बाद, नेट एग्जाम के बाद। उसके बाद आएगा आंसर शीट, वहाँ पे आपका आंसर शीट आएगा, आपने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद आएगा की आंसर की आएगा, उसको आपको मिलाना पड़ेगा, आप मिलाओगे। अभी अगर 150 क्वेश्चंस में से आपको 90 में से 100 क्वेश्चन आपका सही है तो क्या बोलो, आपको आपका नेट क्लियर है, JRF क्लियर है, पार्टी करने की बाकी है अभी, मतलब JRF का पता नहीं लेकिन 90-100 अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, आपके आंसर की में आपके मिलाने के बाद, तो आप निश्चित रहिए कि आपका नेट क्लियर है। मतलब ये 90-100% रूल है, 90-100 रूल है, ताकि कोई स्ट्रेस ना ले बार बार पूछ के मेरा क्लियर होगा कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं। आपने आपको 100-150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसमें से आंसर की में अगर 90-100 क्वेश्चन करेक्ट है तो पार्टी की तैयारी करो, आपका नेट क्लियर है। JRF का शायद थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन नेट का तो क्लियर है, ये हम गारंटी देते हैं, हम लिख के देते हैं, हम साइन करके देंगे, नहीं करेंगे, ये स्लाइड्स है इसलिए साइन करके तो बहुत गंदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स जस्ट एन एग्जाम नॉट एन इवेंट। ये सिर्फ एग्जाम ही है, बहुत बार राक्षस नहीं है जो खा जाएगा आपके जिंदगी को, तबाह कर देगा, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ जस्ट एन एग्जाम एग्जाम ही है, तो लाइटली लो, पढ़ाई करो, जल्दी करो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, आपका जिंदगी बहुत ही फलाफुला हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि एग्जाम एग्जाम में अगर क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरे जिंदगी खत्म हो जाएगा। जिंदगी कुछ खत्म नहीं हुआ, जिंदगी शुरू ही हुआ है, इसलिए ये सिर्फ एग्जाम ही, कोई राक्षस नहीं है जो खत्म नहीं हुआ। उसके लास्ट में लिखा है अपना टाइम आएगा, किसी महापुरुष ने कहा था कि अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, तो इसलिए हम भी कहते हैं कि अपना टाइम जरूर आएगा, सिर्फ डेडिकेशन से लगे रहो, निकल जाएगा, अपना टाइम भी आएगा। उसके बाद क्या है, फ्यू पॉइंट्स टू पॉन्डर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, पेपर वन ऑनलाइन, ओके। ये फ्यू पॉइंट्स टू पॉन्डर क्या है, ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन, पेपर वन ऑनलाइन, ओके। पेपर वन और पेपर टू दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन का भी 10 यूनिट होता है, उसमें से हम क्या करें,
कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्टडी करें, इसमें से मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ऑनलाइन ही प्रिपेयर करो. मतलब इसमें कोई सजेस्टेड बुक नहीं है और पेपर वन का, इसलिए ऑनलाइन ही प्रिपेयर करना बहुत ही लाभदायक होगा मेरे दृष्टिकोण से. और हम ये बता नहीं सकते कौन सा चैनल या कहाँ किसको फॉलो करना है, किसको सब्सक्राइब करना है, वरना वो ब्रांडिंग हो जाएगा. ये ब्रांडिंग हम नहीं करना सकते, लेकिन सब लोग हमारे वीडियो देखने वाले हैं, सभी दर्शक हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही समझदार है, और समझदार को इशारा है काफ़ी, इसलिए वो समझ जाएंगे कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है. सो पेपर वन के लिए तो ऑनलाइन ही करो, ऑनलाइन ही एकदम पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट है पेपर वन का, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ सकते हैं फ्री में ऑनलाइन. सो पेपर वन को रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन. उसमें पेपर टू है ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, मतलब 70-30% रेशियो. मतलब ऑफलाइन तो हम एक बोले कि नेट के अगर हम संस्कृत के हम स्टूडेंट हैं तो हमारा बुक्स तो होता ही है, हम डिग्री से पढ़ते हुए हम जो बुक्स खरीदते हैं वही क्वेश्चन आता है, तो हमारा बुक्स तो जमा होता जाता है. इसलिए ऑफलाइन मतलब कुछ बुक्स है जो ऑफलाइन होता ही हमारा वो पढ़ सकते हैं, और जो ऑनलाइन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. और पीडीएफ तो संस्कृत की किताब का बहुत सारे पीडीएफ होता है, जो अगर हम कुछ हम खरीद नहीं सकते, अगर उसका मूल्य ज़्यादा हो गया तो हम ऑनलाइन भी हमको डाउनलोड कर सकते फ्री में, तो वो भी हम पढ़ सकते. तो यही पॉइंट्स था लास्ट में शायद. पेपर वन हम रिकमेंड करेंगे ऑनलाइन ही कर सकते हैं, पूरा बहुत अच्छा कॉन्टेंट है. सेकेंड में पेपर टू में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन 70-30% रेशियो की जो किताबें हैं हमारा स्नातक या स्नातक उत्तर समय में हमने जो खरीदा है नेट के एग्जाम में वही मॉडर्न इनफ है, वही सफिशियंट है. 30% जो हम मतलब जो बच गया, मतलब नहीं सही है, मतलब कुछ ज़्यादा अगर मूल्य ज़्यादा हो तो शायद खरीदने की इच्छा भी नहीं होगी, तो हम उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं. सो ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन यही रेशियो है. सो हाँ, ये लास्ट स्लाइड था. तो इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि कोई एक स्ट्रेटजी हम डिस्कस करें ताकि बच्चों को एक लक्ष्य को पाने का एक रास्ता तो मिले. तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. और लास्ट में हम बोल देते हैं कि संस्कृत के ऐसे अमेजिंग नॉलेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हिंदी में बोल देता हूँ, चैनल को समर्थन कीजिए ताकि आपका भी दिन शुभ हो, हमारा दिन भी शुभ हो. और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो. सर्वे भवन्तु सुखिनः. धन्यवाद.